नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुप्रीम कोर्ट से आ रहे बेंच के फैसलों में असहमति के स्वर को कब इतनी प्रमुखता मिली थी? फैसला बेंच की बहुमत का ही माना जाता है, मगर असहमति जाहिर करने वाले जजों की टिप्पणियां भी उस फैसले के समानांतर खड़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को असहमति के इन तर्कों के जरिए देखने का यह अच्छा मौका भी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आधार व भीमा कोरेगांव में असहमति की टिप्पणी लिखते हुए जो बातें कही हैं वो कानून के जानकारों को लंबे समय तक बेचैन करती रहेंगी। जस्टिस अब्दुल नजीर ने अयोध्या मामले में तीन जजों की बेंच में असहमति की टिप्पणी दर्ज की। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सबरीमाला मंदिर मामले में असहमति की टिप्पणी दर्ज की। पहले हम अलग अलग केस में और अलग अलग बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की असहमति की टिप्पणियों पर गौर करते हैं। 27 सितंबर को अयोध्या मामले में तीन जजों की बेंच ने 1994 के फैसले को सही माना कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य या अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसे अंग्रेजी में एसेंशियलिटी कहते हैं। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है और इसे पांच जजों की बेंच में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इस बेंच में असहमति जाहिर करते हुए जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा कि इस मसले के संवैधानिक महत्व और प्रासंगिकता को देखते हुए बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए यह देखने के लिए कि श्रीरूर मठ व और अन्य ऐसे मुकदमों की रोशनी में आस्था के विस्तृत परीक्षण के बिना क्या कुछ धार्मिक प्रथाओं की जाँच की जा सकती है। कोई प्रथा किसी मजहब का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इसके लिए जो टेस्ट हैं वो जरूरी हैं भी या नहीं, क्या आर्टिकल 15, 25 और 26 जिसे आर्टिकल 14 के साथ पढ़ा जाना चाहिए आस्थाओं के तुलनात्मक महत्व की अनुमति देते हैं। अब 28 सितंबर को सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की औरतों के प्रवेश की अनुमति दी गई, तब उस बेंच की सदस्य जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताई। बहुमत का फैसला यही रहा कि उम्र को लेकर जो पाबंदी लगाई गई है वो धार्मिक प्रथा का अनिवार्य या अभिन्न अंग नहीं है। कोई भी रीति रिवाज संविधान से हासिल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महामारी के समय औरतों को पूजा से रोकना उनके साथ अछूत जैसा बर्ताव करना है। पांच जजों की बेंच में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताई। क्या जस्टिस इंदु मल्होत्रा वही बात नहीं कह रही हैं जो जस्टिस नजीर ने कही? जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि यह मामला न सिर्फ सबरीमाला बल्कि इबादत की दूसरी जगहों पर भी असर डालेगा। धार्मिक प्रथाओं को आर्टिकल 14 के पैमाने पर नहीं परखा जा सकता। किसी धार्मिक समुदाय को ही तय करना चाहिए कि उसके भीतर अनिवार्य या अभिन्न धार्मिक प्रथाएं क्या हैं। हमें एक तरफ धार्मिक मान्यताओं के बीच संतुलन भी कायम करना है और दूसरी तरफ संविधान के तहत किसी से भेदभाव ना करने के सिद्धांतों को भी लागू करना है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी किसी धर्म के अनिवार्य पहलू की जांच के मामले में जस्टिस इंदु मल्होत्रा की जैसी ही बात कही है। इस तरह से आप देखें तो कोई प्रथा किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इसे लेकर अलग अलग मामलों में तीन जजों की राय एक जैसी लगती है। इस्माइल फारूकी वाले फैसले पर प्राइम टाइम में संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के आधार पर किसी मसले को तय नहीं करना चाहिए। वो यही कहना चाहते थे कि इस्लाम का क्या हिस्सा है क्या नहीं है यह तय करने की बजाय अदालत सीधा कह सकती थी कि सरकार को किसी मंदिर और मस्जिद के अधिग्रहण का पर्याप्त अधिकार है और कानूनी संरक्षण है। हमने फैजान मुस्तफा से पूछा कि क्या अलग अलग मामलों में असहमतियों को लेकर मेरा सोचना ठीक है। कल जिन मुद्दों को हमने उठाया था इस्माइल फारूकी का जिक्र करते हुए, आज साबरीमाला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे मुद्दों को, उन सारे केसेस को जो हमने कल डिस्कस किए थे, अपने जजमेंट में शामिल किया। मेरे आर्टिकल को भी कोट किया और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो एसेंशियलिटी टेस्ट का विरोध करते रहे हैं। देखिए रवीश, जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी बात मानी है कि कोर्ट एक आस्था की कोर्ट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इसमें संविधान की व्याख्या करते हुए उनको ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसकी ऑटोनोमी, उसको ख्याल रखना है। अब इस पूरे केस में मैं समझता था रवीश कि सबसे बड़ा मुद्दा यह था जो आज तक कभी आर्गू नहीं हुआ था धार्मिक स्वतंत्रता के केस में, कि क्या जो भगवान है या डीटी है उसको भी अनुच्छेद 25 का संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि ये बात कही गई थी कि भगवान अयप्पा की ये चॉइस है कि वेमेन उस पर्टिकुलर पीरियड में उनके टेम्पल में ना आए, तो इस बात पे लॉ सेटल्ड है रवीश कि जो डीटी है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो ज्यूरिस्टिक पर्सन तो है पर उसे संविधान के संवैधानिक अधिकार और अनुच्छेद 25 के अधिकार नहीं मिलेंगे।
दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कर दी है कि जो अनटचेबिलिटी एबॉलिश की है अनुच्छेद 17 में, और यह बात कही गई थी डिफेंस की तरफ से कि अनुच्छेद 17 जो है वो सिर्फ कास्ट डिसेबिलिटी से डील करता है। मुझे याद आता है कि संविधान सभा में नजीर अहमद ने यह सजेशन दिया था कि अनुच्छेद 17 कास्ट डिसेबिलिटी से भी डील करे और धार्मिक डिसेबिलिटी से भी डील करे। अब जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हर तरह की डिसेबिलिटी अनुच्छेद 17 के तहत एबॉलिश हो चुकी है। आपको याद होगा मैंने कल ही आपके शो पे कहा था कि टेम्पली एंट्री केस में कोई जरूरत नहीं थी ये देखने की कि अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का एसेंशियल हिस्सा है या नहीं, हमें सिर्फ अनुच्छेद 17 कोट करके ही कह देना चाहिए था कि दलितों के लिए टेम्पल्स के कपाट खोले जाएंगे। मुझे इस पूरे केस में जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जजमेंट है उसकी भी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, क्योंकि जो चीजें मैं लिखता रहा हूं कई चीजें उन्होंने भी उसको मानी है। देखिए ये बात उन्होंने भी ये बात मानी है कि जो धर्म की रैशनैलिटी है वो संविधान की मोरालिटी और रैशनैलिटी से अलग होगी। इनफैक्ट रवीश मैं आपको अगर बताऊं कि ये पूरा जजमेंट जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्रिपल डिवोर्स केस में जो आर्गुमेंट्स थे वो सारे आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है कि अनुच्छेद 14 जो है वो धार्मिक मामलों में नहीं उस तरीके से लगाया जाएगा जैसे और मामलात में लगाया जाएगा। किसी भी धर्म के क्या चीज एसेंशियल है और क्या एसेंशियल नहीं है ये अदालत नहीं बताएगी, ये उस धर्म के मानने वाले लोग बताएंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने एक और बात कही कि ये जो समानता के अधिकार की बात है ये समानता का अधिकार देखा जाएगा उस धर्म के मानने वालों में, तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये बाहर से नहीं देखा जाएगा। इसलिए अगर किसी धर्म के किसी डिस्क्रिमिनेशनरी नेचर को चैलेंज किया जाता है तो वो उस धर्म का मानने वाला और एक डिवोटी आके अगर चैलेंज करेगा तभी उस चैलेंज को माना जाए। उन्होंने एक बात और भी कही कि ये जो केरला हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसने ये औरतों की एंट्री का एक्सक्लूजन को अपहोल्ड किया था, वो जजमेंट जो था उसको हम अनुच्छेद 32 की रिट पेटिशन में, जहां हमारे सामने कोई एविडेंस जो है वो दी नहीं गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या देख सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। और जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है रिलीजियस प्रैक्टिस का जब भी हम कर रहे हैं तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी जो है वो इंपोज नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में एक वाइडर पर्सपेक्टिव लिया वो लिया जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने साबरीमाला में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जो लिया वो लिया मेजॉरिटी ने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिया। मैं ये समझता हूं कि धर्म की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट को एसेंशियल नॉट एसेंशियल की डिबेट में नहीं जाना चाहिए, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बात कही है वो बात सही है कि हमें यह टेस्ट करना है कि कोई भी प्रैक्टिस हमारी संविधान की जो मॉरेलिटी है और जो संविधान के इंडिविजुअल की डिग्निटी और गोल्स ऑफ संविधान है उसको प्रोटेक्ट उसके अंदर कवर होती है या नहीं कवर होती। हम कोई आस्था की अदालत ना बने, हम संविधान का संरक्षण करें। सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बड़े फैसले पर आते हैं। जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला देते हुए भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार 5 एक्टिविस्ट और वकीलों की जांच के लिए एसआईटी बनाने से इनकार कर दिया। जस्टिस खानविलकर ने अपने फैसले में कहा कि 4 हफ्ते और इन्हें नजरबंद रखा जाएगा, और उन्होंने अदालत ने पुलिस को चेतावनी भी दी कि आरोपी एक्टिविस्ट के खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियादी सबूत जमा करने से बचें, अगर सबूत मनगढ़ंत पाए गए तो अदालत इन छापेमारियों की जांच के लिए एसआईटी बना देगी। तो एक तरह से अदालत ने एसआईटी की बात नहीं मानी लेकिन यह भी कह दिया कि फर्जीवाड़ा होगा तो एसआईटी बना देंगे। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की टिप्पणी। फैसले में जो तीसरे जज रहे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ वो असहमत नजर आए बाकी दोनों साथी जजों से, यानी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर जिनने बहुमत से फैसला सुनाया उनसे वो असहमत नजर आए, और उन्होंने साफ तौर पर कुछ सवालों को खड़ा किया किस तरीके से पुणे पुलिस ने इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की, जो सबूतों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया, मीडिया ट्रायल
चलाने में मदद की, सनसनीखेज बनाया गया, ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पूरे मामले में अपने आदेश में कहा है और कहा है कि ये एसआईटी जांच का के लिए फिट केस है, इस मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो क्योंकि ये जो उनका फैसला है ये अल्पमत का फैसला है, इसलिए जो बहुमत का फैसला है दो जजों का वही लागू होगा। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र पुलिस को एक बड़ी राहत मिली है, जाँच अभी उन्हीं के हाथ में रहेगी। अब जो पाँचों आरोपी हैं वो निचली अदालतों में जा सकते हैं, कानूनी उपचार पा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बेंच ने कहा है। बेंच ने कहा है कि मेरिट पर कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो इसका सीधा असर जो निचली अदालतों में कार्रवाई होगी उस पर पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ पांच एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर नहीं था, बल्कि वो मुद्दा यहाँ पर जो लेकर आए थे वो खुद आरोपी नहीं लाए थे, बल्कि पांच ऐसे नाम हैं जो जिन्हें हम इस देश में हस्तियाँ कहते हैं, बड़े लोग जिनमें इतिहासकार रोमिला थापर शामिल हैं, वो यहाँ पर आए थे। महाराष्ट्र सरकार लगातार और केंद्र सरकार भी ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि क्रिमिनल केस में तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जनहित याचिका के तौर पर इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देता है ऐसी याचिकाओं से जो तीसरे पक्ष की होती हैं क्रिमिनल केस में, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मौलिक अधिकारों के तहत देखा और गिरफ्तारी के फौरन बाद यानी 28 अगस्त को गिरफ्तारी हुई, अलग अलग जगह से सुप्रीम कोर्ट ने पांचों को 29 अगस्त को हाउस अरेस्ट के आदेश दिए, यानी वो अपने घर पर नज़रबंद रहेंगे और वो उसी वक्त से अभी तक अपने घर में नज़रबंद हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है उनका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन से था और ये बड़ी साजिश का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनते हुए कहा कि किसी की आज़ादी अनुमानों के आधार पर नहीं कुचली जा सकती, हम इस मामले में अपनी निगाह रखेंगे। आप जानते हैं कि गिरफ्तार एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, बरबरा राव, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस की तरफ से प्रोफेसर रमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और माजा दारूवाला ने याचिका दायर की थी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिस चंद्रचूड की टिप्पणी को ही प्रमुखता से उभारा। वृंदा ग्रोवर भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सरकारी पक्ष की इस बात से सहमत नहीं है कि थर्ड पार्टी याचिकाकर्ताओं की इस केस में कोई दखल नहीं बनती। जब संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाया जा रहा हो, तो इंसाफ के रास्ते में टेक्निकल बातें रोड़ा नहीं बन सकती, ये जस्टिस चंद्रचूड का कहना था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के फैसले के बाद प्रेस क्लब में अपनी बात रखी। चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने बोला है कि इसमें एसआईटी बनाने की कोई जरूरत नहीं दिख रही और जो पुना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कर सकती है और इसमें हर जने को जिसको अरेस्ट किया गया है या जिसके खिलाफ वो लोग प्रोसीड कर रहे हैं उनको कोर्ट जाने का इंडिपेंडेंट राइट है और ये भी बोल दिया है कि अगले चार हफ्ते तक उनको हाउस अरेस्ट में ही रखा जाएगा, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। जो हाउस अरेस्ट पिछले एक महीने से चल रहा था उसी को और चार हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। उस बीच में ये पिटिशनर्स किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं कोई भी रिलीफ कानून के अंदर मांगने के लिए, सिर्फ एसआईटी को उन्होंने मना कर दिया। दूसरा, जस्टिस चंद्रचूड़ का जो माइनॉरिटी जजमेंट है उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से ये दिखाया है कि क्यों ये जो इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस या पुणे पुलिस कर रही है ये अनफेयर है, ये ऐसा लगता है कि कोई मोटिव से किया जा रहा है और उसके कई संकेत उन्होंने बताए हैं। पहला तो ये कि पुणे पुलिस इन एलेज चिट्ठियां जिसके आधार पर वो कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या अरेस्ट किए हैं इनको मीडिया को लीक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि भाई हाँ ये लोग गिल्टी हैं, जबकि खुद बाद में कह रहे हैं कि इसका अभी तो जांच चल रही है कि ये लेटर्स जेन्युइन हैं कि नहीं है, फोरेंसिक एनालिसिस में भेजा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि पुणे से ही पंच विटनेसेस को ले आए जो कि कानून के बिल्कुल खिलाफ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और बात कही कि दो झूठों के बीच संतुलन का यही तरीका है कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सिद्धांत रूप से अपने दो साथी जजों से सहमत नहीं हूं,
उन्होंने ये भी कहा कि SIT से जांच कराने के पक्ष में उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं अपनी टिप्पणी में, मगर फैसले में इसे स्वीकार नहीं किया गया। महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने गंभीर टिप्पणी की और कहा कि 19 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। फैसले के चंद घंटे के भीतर पुणे में ज्वाइंट कमिश्नर की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और दावा करने लगे कि पुणे पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, जबकि कोर्ट ने 5 लोगों के ट्रांजिट पर रोक लगाई थी। घर में नजरबंद किया था, पुलिस का यह व्यवहार अनुचित था। ऐसा लगा कि पुलिस कोर्ट के नोटिस का जवाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दे रही है। 31 अगस्त 2018 को ADG कानून व्यवस्था श्री परमवीर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कई पत्र दिखाए जिनकी फॉरेंसिक जांच तक नहीं हुई। 18 जून को कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया को सुधा भारद्वाज का एक पत्र जारी कर दिया गया, आरोप जिसमें था कि गिरफ्तार लोग प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते हैं। इस पत्र को TV पर दिखाया गया, जबकि इन पत्रों को कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, ना ही ट्रांजिट डिमांड के आवेदन का हिस्सा बनाया गया। यह गंभीर मसला है, इससे जांच की निष्पक्षता पर संदेह होती है और पुलिस जज नहीं है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। पुणे पुलिस ने जो तफ्तीश की थी और जिस प्रकार के एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट को पुणे पुलिस ने दिए थे, उसके आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं ये मानता हूं कि एक पुणे पुलिस की बड़ी जीत इसके माध्यम से हुई है, लेकिन उससे बड़ी जीत ये देश की है, क्योंकि देश के खिलाफ साजिश करने वाले ये लोग कई वर्षों से साजिश कर रहे थे। ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं कहा कि ये देश की बड़ी जीत है, लेकिन राजनीति अलग अलग तरीके से व्याख्या करेगी ही और कानून के जानकार अलग तरीके से व्याख्या करेंगे। इन बड़ी बड़ी बातों के बीच बिहार के 80,000 से ज्यादा छात्र परेशान हैं कि 1 अक्टूबर के पहले एडमिट कार्ड नहीं आया तो उनकी जिंदगी का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, और 80,000 छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस देश में किसी को फर्क नहीं पड़ता, दुख की बात है कि उनके माँ बाप को भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी TV पर वही देख रहे होंगे जिसे अब क्या बार बार कहें।